नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मैंने लाइव सेशंस में बताया था कि आईरिग, आप लोगों में से ही किसी ने आईरिग के बारे में पूछा था, तो ये मैं फ्लिपकार्ट से आईरिग को ऑर्डर किया था। इसकी जो प्राइस है मुझे देनी पड़ी थी 616। तो अब मैं इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने। बहुत ही तगड़ा पैकिंग है, मैंने काट दिया फिर भी ये कटा नहीं। इसमें से निकलता है प्लास्टिक, इसे भी हम लोग करते हैं अनबॉक्स। लगता है मुझे ये भी काटनी ही पड़ेगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें से फिर मिला एक प्लास्टिक। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसमें एक छोटा सा मैनुअल मिल जाता है आपको, जो आप लोगों को बताएगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाइनीज़ आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि चाइनीज़ में भी लिखी हुई है, हिंदी में भी है, जर्मन में भी है, सारे भाषाओं का ज्ञान मिल जाता है इसमें। और अब आते हैं आयरिक के बारे में। आप लोग देख पा रहे हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा है, और जूम करूं? मैं जूम कर रहा हूं, आप लोग देख ले, दिख रहा है? तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पहले ही बताया हूं। ये जो पोर्शन है, जो गिटार का एक आइकन यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप अपना इनपुट लगा सकते हैं, जैसे मिक्सर से, एम्पलीफायर से, चाहे अपने कीबोर्ड से आउटपुट लेके आप इसमें डालेंगे, ठीक है? उसके बाद आप, अगर आपको सुनना है, आप नहीं चाहते कि स्पीकर की आवाज़ आए, आप स्पीकर बंद भी कर लें, तो उसके बाद यहाँ पर हेडफोन का एक आइकन आता है। इसमें आप 3.5 mm का हेडफोन जैक लगा ले, और हेडफोन या एयरफोन को कान में लगा ले, और इसको जो है, इसको आपको क्या करना है, इसको अपने फ़ोन में डालना है। और फ़ोन में जाने के बाद आपका एक आइकन बन जाएगा, जैसे आप हेडफोन लगाते हैं, हेडफोन का एक आइकन बन जाएगा। तो अब जाके अगर आपको रिकॉर्ड, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो आपको सिंपली वॉइस रिकॉर्डर में जाना है और वॉइस रिकॉर्ड कर लेना है। या आपको लाइव जाना है फेसबुक से, तो आप फेसबुक से लाइव आ जाइए, या यूट्यूब से लाइव आना है तो आप यूट्यूब से लाइव आ जाइए। आपका बाहर का जो नॉइज़ है वो नहीं आएगा, जो इनपुट आपने, आउटपुट आपने यहाँ इन किया है अपना कीबोर्ड, माइक, जिस जिस चीज़ का, ये आउटपुट इसके इनपुट में चला जाएगा, और ये जाके आपके मोबाइल में देगा। और बाहर की, जैसे अगर कीबोर्ड की साउंड आप माइक में आएगी आपके, ठीक है, तो वो भी क्रॉस करेगा, इसलिए आप यहाँ पर ईयरफोन का या हेडफोन का भी सॉकेट है, हेडफोन लगा लें और आराम से विदाउट नॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी यूज़फुल होगा वीडियो। आगे हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।